सलाम हजरत आदम अली सलाम से है और सबसे पहला मजहब है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एम जेड इस्लामिक वॉइस। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है और मैं लखनऊ इंडिया से हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूँ वो इस टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत ही चर्चा में रहता है, और वो क्या है, वो ये है कि इस्लाम कितना पुराना मज़हब है। कि कोई कहता है 1400 साल पुराना है, लेकिन इस्लाम की कितना पुराना है इसकी हकीकत आइए जानते हैं हम इस वीडियो पे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं मजहब इस्लाम कब से है इस दुनिया में? क्या इस्लाम की शुरुआत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई या हजरत आदम अलैहि सलाम से हुई? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मालूमात आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक मालूमात पहुंचे। इस्लाम की बुनियादी तालीम यह है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, सिर्फ वही इबादत के लायक है, दूसरा किसी की भी इबादत नहीं की जा सकती, वही है जिसने इस दुनिया को बनाया, जन्नतों दोजख को बनाया, इंसानों जिन को बनाया, फरिश्तों को बनाया, चरिंद परिंद को बनाया, दरियाओ समुंदर को बनाया, जमीनों आसमान को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, पहाड़ और सहरा को बनाया, यहाँ तक के हर एक जर्रा को, हर एक चीज को उसी ने बनाया। बेशक। और इस्लाम का बुनियादी अकीदा यही है, और ये अकीदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं हुआ, बल्कि जब हजरत आदम अलैहि सलाम इस दुनिया में आए तो उसी वक्त से ये अकीदा है। तो इस्लाम की शुरुआत हजरत आदम अलैहि सलाम से हुई, मगर जब हजरत आदम अलैहि सलाम आए तो उस वक्त इस दीन का नाम इस्लाम नहीं था बल्कि दीन आदम था। इसी तरह हजरत आदम के बाद जितने भी नबी आए इस दुनिया में, इस अकीदे की इशात के लिए इसी तरह नाम चेंज होता गया, जैसे दीन नूह, दीन मूसा, दीन ईसा। मगर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ने इस दीन का नाम दीन इस्लाम रखा, जिसका बुनियादी अकीदा वही रहा जो हजरत आदम के वक्त था। बस इस्लाम में शरीयत नाफिज किया गया और अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी को बहुत सी नेमतों और खसूसियतों से नवाजा। दीन इस्लाम में कुरान नाजिल हुआ, नमाज, रोजा, हज व ज़कात फर्ज हुई और उनके मानने वालों को मुसलमान का लकब मिला। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस्लाम हजरत आदम अली सलाम से है और सबसे पहला मजहब है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक मालूमात पहुंचे और उनको मालूम हो सके कि इस्लाम की शुरुआत कब से हुई। बहुत ही अच्छी वीडियो, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी वीडियो है, और इसमें जो है इस बात को बताया गया कि इस्लाम जो है ये 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। इस्लाम तो आदम अलैहि सलाम से चलता चला रहा है, जब से दुनिया बनी, सबसे पहले शख्स इस दुनिया में जो पैदा हुए वो आदम अलैहि सलाम, जब से इस्लाम चला आ रहा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह।